नैनीताल उत्तराखंड का पर्यटन के नज़रिए से एक महत्वपूर्ण शहर है, जिसे झीलों का नगर भी कहा जाता है। नैनीताल दो भागों तल्लीताल और मल्लीताल में बटा हुआ है। नैनीताल का इतिहास देखा जाए तो वो बहुत प्राचीन है। स्कंद पुराण के मानसकंद में नैनीताल को त्रिसी सरोवर अर्थात तीन तीन साधुओं अत्रि पुलसक और पुलिक की भूमि के रूप में दर्शाया गया है। मान्यता है कि तीन ऋषि यहाँ पर तपस्या करने आए थे, परंतु उन्हें यहाँ पर पीने का पानी नहीं मिला, अतः प्यास मिटाने के लिए अपने तप के बल पर तिब्बत स्थित पवित्र मानसरोवर झील के जल को साइफन द्वारा यहाँ लाया गया। दूसरे महत्वपूर्ण पौराणिक संदर्भ के अनुसार नैनीताल 64 शक्तिपीठों में से एक है। इस शक्तिपीठों का निर्माण सत्य के विभिन्न अंगों के गिरने से हुआ है। जब भगवान शिव सती को जली हुई अवस्था में ले जा रहे थे तो मान्यता है कि इस स्थान पर सती की बाईं आँख गिरी थी, जिसने नैनीताल के संरक्षण देवता का रूप लिया, इसलिए इसका नाम नैनीताल पड़ा, जिसे बाद में नैनीताल के नाम से जाने जाने लगा। इस तालाब की बाईं ओर नैना देवी का मंदिर है, जहां पर देवी शक्ति की पूजा होती है। ब्रिटिश काल में 1815 ईस्वी में अंग्रेजों ने कुमाऊं और गढ़वाल पर कब्जा किया। अंग्रेजों के आधिपत्य के पश्चात जब जीजे ट्रेल कुमाऊं कमिश्नर नियुक्त किए गए तो वो पहली बार नैनीताल के भ्रमण में गए। वो पहले यूरोपियन थे जो नैनीताल की यात्रा में गए, लेकिन उन्होंने धार्मिक पवित्रता को देखते हुए अपनी यात्रा को ज़्यादा प्रचारित नहीं किया। अंग्रेज व्यापारी प्यूबेरन जो सहारनपुर से चीनी का व्यापार करते थे, उन्हें पहाड़ी अंचलों में घूमना पसंद था। वो बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा के बाद कुमाऊं की यात्रा करने के इच्छुक थे। वो सन 1841 में नैनीताल आए। बेरन नैनीताल के अंचल से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने को खरीदने का मन बना लिया। फिर बेरन ने उस इलाके के थोकदार नूर सिंह से स्वयं बातचीत की कि वो इस इलाके को उन्हें बेच दें। पहले तो नूर सिंह तैयार हो गए, परंतु बाद में उन्होंने इस क्षेत्र को बेचने से मना कर दिया। बेरन इस अंचल से इतने प्रभावित थे कि वो नैनीताल के इस इलाके को अपने कब्जे में कर एक सुंदर नगर बसाने की योजना बना चुके थे। जब थोकदार नूर सिंह इस इलाके को बेचने के लिए तैयार नहीं हुए तो एक दिन बेरन ने अपनी किश्ती में बिठाकर नूर सिंह को नैनीताल के ताल में घुमाने के लिए ले गए, और जब ताल के बीच में पहुंचे तो बेरन ने नूर सिंह से कहा कि तुम इस सारे क्षेत्र को बेचने के लिए जितना रुपया चाहे ले लो, परंतु तुमने इस क्षेत्र को बेचने से मना कर दिया तो तुमको इसी ताल में डुबा दूंगा। डूबने के भय से नूर सिंह ने स्टाम्प पेपर में साइन कर दिए और बाद में बेरन ने अपने कल्पना का नगर नैनीताल बसा लिया। नैनीताल में घूमने की प्रसिद्ध जगह। नंबर एक, नैनी झील। नैनी झील 7 अलग अलग पर्वत की चोटियों से घिरी कुमाऊं क्षेत्र की खूबसूरत झील है। यह अपने खूबसूरत नज़ारों के लिए मशहूर है। यह नैनीताल की दार्शनिक स्थल लोगों के बीच पिकनिक का बहुत प्रचलित स्थान है, जहां बैठकर आप सूरज की विलुप्त होती लालिमा को देख पाएंगे। नंबर दो, माल रोड। नैनी झील के सहारे बनी सड़क तल्लीताल और मल्लीताल को जोड़ती है। यहाँ हर वक्त चहल पहल का माहौल देखने को मिलता है। नंबर तीन, नैना देवी मंदिर। नैना देवी मंदिर यहाँ का सुप्रसिद्ध मंदिर है। कहा जाता है कि इस जगह पर देवी सती के नृत्य गिरे थे, इसलिए इस मंदिर का नाम नैनी देवी मंदिर रखा गया। हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थानों में से ये मंदिर एक है। इसके अलावा यहाँ पंडित गोविंद बल्लभ पंत जू, नैनी पीक, टिफिन टॉप, स्नो व्यू पॉइंट और इको वेब गार्डन प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। इसके अलावा भी नैनीताल में घूमने की बहुत सी जगह हैं। दोस्तों, आपको आज के हमारे यह वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।